हाय फ्रेंड्स, टारगेट जीएसएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके झारखंड के उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा ब्रांच सिपाही के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। तो झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही, तो झारखंड उत्पाद सिपाही में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं पत्रवन, जिन्होंने सिलेबस देखा है और जिन्होंने नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान कितना नंबर का है, और ये देख सकते हैं 80 प्रश्न का, कितना 80 प्रश्न का है। तो 80 प्रश्न हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। अगर ये 80 नंबर आप नज़रअंदाज कर देंगे, मतलब हिंदी को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए बुरी बात है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी आपका मार्क्स ख़राब हो सकता है। तो आपको हिंदी पूरा कवर करना ही होगा, अगर नहीं किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और दूसरा जिनका पेपर 2 है और जो हिंदी लैंग्वेज को लिए हैं, जिनका खोटा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर उर्दू है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका हिंदी है यहाँ पेपर 2 में, तो उनके लिए जो है पूरे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न की बात है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। तो इसीलिए आप सेशन को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे, हम आपको 150 से प्लस इस टॉपिक से क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं, अदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदृश्य बोलते हैं। जिसका जन्म ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजन्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़े नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर। और जो कभी ना मरे अमर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं लोग? अनपढ़ कहते हैं या फिर अपढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसके कोई संतान ना हो, तो जिसकी कोई संतान ना हो उनको निसंतान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो उदार ना हो अनुदार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदार कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसमें धैर्य ना हो, तो जिसमें धैर्य ना हो, पेशेंस ना हो, उसको अधीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधीर बोला जाता है। नेक्स्ट है, जिसमें सहन शक्ति हो, तो जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोला जाता है? सहिष्णु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहिष्णु बोला जाता है। नेक्स्ट है, जिसके सम्मान दूसरा ना हो, जिसके सम्मान दूसरा ना हो, समान वाला उसके जैसा कोई ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? अनुपम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? अनुपम बोला जाता है। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसको अविश्वसनीय बोलते हैं, इंग्लिश में इनक्रेडिबल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है, जिसकी थाह ना हो अथाह, है ना, जिसकी थाह ना हो अथाह है। जैसे कि हम लोग समुद्र के बारे में बोल सकते हैं, जिसका थाह ना हो वो क्या? समुद्र अथाह होते हैं। नेक्स्ट है, दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। नेक्स्ट है, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में सामान आता है उसको क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। और जब हमारे देश से दूसरे देश में सामान जाता है तो उसको निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जो कभी नष्ट ना हो, तो जो कभी नष्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अनस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्वर बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसके कोई जीत ना सके, जिसे कोई जीत ना सके अजेय कहलाता है। नेक्स्ट है, अपनी हत्या स्वयं करना तो क्या कहलाता है? आत्महत्या, है ना। नेक्स्ट है, जिससे दंड का भय ना हो, जिसे दंड का भय ना हो उसे क्या कहते हैं? उदंड। बहुत बार सुने होंगे, बहुत बड़ा उदंड बालक है ये, है ना। तो काफ़ी इसके एग्जाम्पल भी फेमस होते हैं। तो जिस भूमि पर कुछ ना उग सके
उसको क्या बोलते हैं, उसर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसर बोलते हैं। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात क्या कहलाती है, किनु दंती कहलाती है। क्या कहलाता है, किनु दंती कहलाता है। नेक्स्ट है, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसकी सब जगह बदनामी, जिसकी हर जगह बदनामी होती है, और इस तरह के व्यक्ति को क्या बोला जाता है, कुख्यात बोला जाता है ना। एक होता है प्रसिद्ध, है ना, तो वो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन कुख्यात क्या है, बुरे कामों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, जो क्षमा के योग्य हो क्षमी कहलाता है। नेक्स्ट है, शीघ्र नष्ट होने वाला, तो शीघ्र नष्ट होने वाला क्या कहलाता है, क्षण भंगुर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षण भंगुर कहलाता है। नेक्स्ट है, कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ, क्या टिकाऊ बोला जाता है, काफी टिकाऊ चीज है। नेक्स्ट है, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है, दंपति कहलाता है। नेक्स्ट है, जो कम बोलता हो क्या कहलाता है, जो कम बोलता है जिसे मितभाषी। और कम बोलने वाले में से हमारे देश में कौन फेमस है, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट है, जो अधिक बोलता हो वाचाल, क्या है वाचाल। और कौन अधिक बोलता है, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, जिसका पति जीवित हो, तो जिसका पति जीवित हो उसका उसको क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सधवा। और जिसका पति मर गया उसको क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। नेक्स्ट है, जिससे रस हो तो उसको सरस बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिनमें रस ना हो, तो जिनमें रस ना हो क्या कहलाता है, नीरस कहलाता है। भलाई चाहने वाला हितैषी कहलाता है। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, दिल से होने वाला, दिल से होने वाला हार्दिक, है ना। जिनमें दया ना हो निर्दयी कहलाता है। जो सब जगह व्याप्त हो तो सर्वव्यापक कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वव्यापक कहलाता है। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, है ना। सप्ताह में एक बार होने वाला कार्यक्रम जो भी होता है उसको साप्ताहिक बोला जाता है। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, साहित्यक कहलाता है। नेक्स्ट है, मांस खाने वाला मांसाहारी, क्या है मांसाहारी। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, गेस्ट। जिसके हृदय में दया हो क्या कहलाता है, दयावान कहलाता है। नेक्स्ट है, जो चित्र बनाता हो, तो जो चित्र बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। जो देखने योग्य हो दर्शनीय होता है ना। नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। जो धन का उपयोग दुरुपयोग करता हो, तो जो धन का दुरुपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ पहुँचा ना जा सके अघमय कहलाता है। क्या कहते हैं, अघमय कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, उसको क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत है। तो नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिसका जन्म ना हो सके, जिसका जन्म ना हो सके, तो क्या कहलाता है, आ जन्मा कहलाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, अवसरवादी के लिए फेमस हमारे सिद्धू जी हैं, काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, क्या है अवैध है। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है, अनलीगल। दूसरे के पीछा करने वाला अनुचर कहलाता है, अनुचर कहलाता है। जिसका कोई स्वामी ना हो अनाथ, क्या है जिसका कोई स्वामी ना हो अनाथ कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसे क्षमा ना किया जा सके, क्या है अक्षम कहलाता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य कहलाता है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो क्या है अभियुक्त, क्या है अभियुक्त है। जिसमें शक्ति ना हो असक्त, क्या कहलाता है असक्त कहलाता है। जो पहले ना पढ़ा हो अपठित, जो पहले ना पढ़ा हो अपठित कहलाता है। जिसमें कोई उपमा ना हो, क्या है अनुपम, क्या है अनुपम है। नेक्स्ट है, कम जानने वाला अल्प, क्या कहलाता है अल्प कहलाता है, अल्प कहलाता है। जो कुछ ना करता हो क्या कहलाता है कर्मण्य, क्या कहलाता है कर्मण्य कहलाता है, अकर्मण्य। नेक्स्ट क्या है, जो दिखाई ना दे तो अदृश्य है, जो क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है, जिनका मूल्य ना आंका जा सके तो अमूल्य कहलाता है। जो नष्ट ना हो अविनाशी कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, जो आंखों के सामने हो, क्या है जो आंखों के सामने ना हो तो अप्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है अप्रत्यक्ष कहलाता है।
जिसका पार ना पाया जाए तो अपार, जो परिचित ना हो अपरिचित कहलाता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, जहां जाना संभव ना हो तो जहां जाना संभव ना हो अगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अगम। नेक्स्ट है चार मुखों वाला चतुरानन, क्या कहलाता है? चार मुखों वाला चतुरानन कहलाता है। दूसरों के दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? छिद्राम वेशी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्राम वेशी कहलाता है। नेक्स्ट है छात्रों का रहने का स्थान छात्रावास है। जनता द्वारा चलाए जाने वाला राजतंत्र क्या कहलाता है? जनतंत्र कहलाता है। जल में रहने वाला जलचर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जो जन्म से अंधा हो क्या कहला? जन्मांध। क्या कहलाता है? जन्मांध कहलाता है। जीने की इच्छा रखने वाला जीजी विषा क्या कहलाता है? जीजी विषा कहलाता है। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो तो उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले, तो जो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसकी तीन भुजा हो त्रिभुज कहलाता है। तीन लोकों का स्वामी, तीन लोकों का स्वामी कौन है? त्रिलोकी है कहलाते हैं। जो जो पुत्र गोद लिया हो, जो पुत्र को गोद लिया हो क्या कहलाता है? दस्तक कहलाता है। दस ना दतक कहलाता है। बुरे आचरण वाला दुराचारी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जो दो भाषाएं जानता हो क्या कहलाता है? दू भाषिया। क्या कहलाता है? दू भाषिया कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, जिसकी आयु बड़ी लंबी आयु हो उसको दीर्घायु क्या बोलते हैं? दीर्घायु बोलते हैं। प्रतिदिन होने वाला दि क्या कहलाता है? प्रतिदिन होने वाला प्रतिदिन कहलाता है। बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र कहलाता है। जिनमें दया हो दयालु कहलाता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट है जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, दर्द से भरा हुआ दर्दनाक, जो धर्म का काम करे धर्मात्मा क्या कहलाता है? धर्मात्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जिनका कोई अर्थ ना हो क्या कहलाता है? निरर्थक। क्या कहलाता है? निरर्थक। और जिनमें मन में कोई कपट ना हो तो निष्कपट कहलाता है। जो कभी जो अभी अभी पैदा हुआ तो उसको क्या कहते हैं? नवजात बोलते हैं ना। प्रदेश में जाकर बसने वाला प्रवासी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट जो सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलता हो तो इसको क्या कहते हैं? प्री भाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री भाषी कहते हैं। इतिहास से पहले का, इतिहास से पहले का क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। फल खाकर ही रहने वाला फलाहारी कहलाता है। बच्चों के लिए उपयोगी बाल उपयोगी कहलाता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, जिस स्त्री का संतान ना हो उसको क्या बोलते हैं? वंध्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंध्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अवश्य होने वाली घटना क्या? अवश्य भावी। क्या कहलाता है? अवश्य भावी, भावी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, मास में एक बार होने वाला, मास में मतलब महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर है। शक्ति के अनुसार अथाशक्ति क्या है? अथाशक्ति अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी क्या कहलाता है? रूपसी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, खून से रंगा हुआ, खून से रंगा हुआ क्या कहलाता है? रक्त रंजित। क्या कहलाता है? रक्त रंजित कहलाता है। रजोगुण संबंधी राजसी कहलाता है। लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला तो उसको क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। जिसका इलाज ना हो तो क्या बोलते हैं? लाइलाज। क्या बोलते हैं? लाइलाज। बीमारी जब किसी को हो जाती है ऐसी तो उसकी बीमारी को क्या बोलते हैं? लाइलाज बोलते हैं। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। क्या कहता है? कहलाता है व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। क्या है? वैष्णव कहलाता है, विष्णु का उपासक। वर्ष या साल में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। जिसका कोई आकार ना हो निराकार होता है, विश्व का उपासक शिव कहलाता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, हर 15 दिन आने वाला पाक्षिक क्या कहलाता है? पाक्षिक एक व्यक्ति का राज एक तंत्र कहलाता है। जिससे ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिसका ध्यान एक स्थान पर हो तो उसको एकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाग्र बोलते हैं।
नेक्स्ट है जो भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त हो, उसको क्या बोलते हैं? ऐश्वर्यशाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऐश्वर्यशाली बोलते हैं। थोड़ा नीचे स्लाइड करना होगा, यहाँ देख लेते हैं, पीछे कट गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर पढ़ रहे थे हम लोग। तो क्या कहलाता है वो? ऐश्वर्यशाली कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? जिसकी कल्पना ना की जा सके तो अल्प नातीत कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प नातीत कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? जो कठिनाई से बचे, है ना, तो उसको गरिष्ठ बोला जाता है। क्या है? गरिष्ठ बोला जाता है। नेक्स्ट है जो गाया जा सके तो गय कहलाता है, और जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय कहलाता है। नकली रूप धारण करने वाला क्या कहलाता है? छमवेशी। क्या कहलाता है? छमवेशी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? जो किसी का पक्ष ना लो, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, जो छोड़ दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? तय तक। क्या बोलते हैं? तय कत बोलते हैं। नेक्स्ट क्या? जल्दी चलने वाला दुर्गामी कहलाता है। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहलाता है। जो पास हुआ हो क्या कहलाता है? पारित कहलाता है। क्या कहलाता है? पारित कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? प्राण देने वाली क्या है? प्राणदा। क्या है? प्राणदा, है ना। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पुरुष परदेश गया हो उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? ऐतिहासिक युग के पहले का तो प्रागैतिहासिक कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है? जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दूसरों पर आश्रित हो प्राश्रित कहलाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है। क्या कहलाता है? पितृहंता कहलाता है। नेक्स्ट है दूसरों के अन्न पर जीने वाला प्राण भोगी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राण भोगी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिक व्यय करने वाला, तो अधिक जो खर्चा करता है उनको क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। जो कम व्यय करते हैं उनको मित व्ययी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी मत का अनुसरण करने वाला। क्या है? किसी मत का अनुसरण करने वाला, तो उसको कहते हैं मतानुयायी। क्या कहते हैं? मतानुयायी कहलाते हैं। वीर पुत्र पैदा करने वाले वीर पशु। क्या कहते हैं? वीर पशु कहते हैं। अच्छे मार्ग पर चलने वाला सुपथ गामी कहलाता है। क्या कहला? सुपथ गामी कहलाता है। बुरे काम पर चलने वाला विपथ गामी क्या कहलाता है? विपथ गामी कहलाता है। कई में से एकमात्र तो क्या कहलाता है? अनितम। क्या कहलाता है? अनितम कहलाता है। और बिना पलक झपके एक टक क्या कहलाते हैं उसको? एक टक कहते हैं। नेक्स्ट है किसी काम में दूसरों से इच्छा की इच्छा बढ़ने की इच्छा, है ना। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा क्या कहलाता है? स्पर्धा। क्या कहलाता है? स्पर्धा। अन्य से संबंध रखने वाला क्या है? अनन्य कहलाता है। भरत। भरत किसको देख सकते हैं? भरत वंशियों से संबंधित भारत है। क्या है? भारत है। नेक्स्ट है जो सबसे साधारण या सामान्य रूप में पाया जाए तो ये सर्व साधारण कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्व साधारण कहलाता है। कर्म के अनुसार अथा कर्म कहलाता है। जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो स्वयसाची कहलाता है। मेघ की तरह नाग करने वाला तो मेघनाथ कहलाता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी तो क्या कहलाता है उसको? क्या कहते हैं? अंतेवासी। क्या कहलाते हैं? अंतेवासी कहलाते हैं। और समान उदर में जन्म लेने वाला को सहोदर कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसका था ना लगाई जा सके, तो जिसका था नहीं लगा सकते उसको क्या बोलते हैं? अथाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथाह बोलते हैं। जो समय बीत चुका उसको क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। नेक्स्ट है जो देने योग्य ना हो तो वह अदय कहलाता है। क्या कहलाता है? अदय कहलाता है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो पढ़ा ना जा सके अपाठ्य क्या कहलाता है उसको? क्या कहते हैं? अपाठ्य कहते हैं। जो कभी ठीक ना हो सके असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो कठिनाई से साधित हो, जो कठिनाई से साधित हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? दुख दु साध्य बोलते। क्या बोलते हैं? दुसाध्य बोलते हैं ना। नेक्स्ट है जो अपने स्थान से ना डिगे, अडिग। जो अपने स्थान से ना डिगे वो क्या कहलाता है? अडिग कहलाता है। जो स्थिर ना रह सके उसके अस्थिर कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते क्या है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, तो जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसको बोलते हैं अमूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य
किंचन बोलते, क्या बोलते, आ किंचन बोलते हैं, जिसका कभी जन्म ना हो आ जन्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं यहाँ पर, जो इंद्रियों के अनुभव के बाहर हो, जो इंद्रियों, इंद्रियां मतलब समझ रहे हैं ना, आँख कान इसी को, उसको क्या बोलते हैं, आ गोचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आ गोचर बोलते हैं, जो स्वाभाविक ना हो आ प्राकृतिक कहलाता है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, जो परिश्रमी हो, तो जो परिश्रमी होते हैं उसको क्या कहते हैं, असल अध्यवसायी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अध्यवसायी बोलते हैं। जो परिचित ना हो, तो जो परिचित ना हो उसको आप परिचित बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या देखिए, जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिसे सब कुछ कहा जा सके उसको क्या कहते हैं, अंतरंग, क्या बोलते हैं उसको, अंतरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं यहाँ, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बिना सोचे, क्या है यहाँ पर, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला, तो उसको अंधविश्वासी कहते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, जो किसी पर आधारित हो, अव लंबित, क्या कहलाता है, अव लंबित कहलाता है। नेक्स्ट है, जो ठीक पका ना हो, क्या है, अपरिपक्व, क्या कहलाता है, अपरिपक्व कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसके बराबर दूसरा ना हो, तो जिसके बराबर दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ अगर इस तरह के वीडियो और आप चाहते हैं, इस तरह के वीडियो और भी अधिक आप चाहते हैं, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको इस तरह के वीडियो अवेलेबल और करवा सकें, और खुद को इस तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें।